नानी जी हाय तो बोलो। ए भाई भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। बाबा तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है पूनम बिष्ट। तो आज कहाँ जा रही हूँ मैं, आज अपना काम कराने जा रही हूँ जो कि अटक चुका है, बहुत गंदी तरह फंस चुका है मेरा काम। ट्रैफिक देखो यहाँ पे कितना लगा हुआ है भयंकर। और मेरी कैब ये फंस चुकी है यहाँ पे। ऐसा है अभी तो मेरे को सुर्री यहाँ पे मिल चुकी है, मेरी मौसी की लड़की। अभी मैं इसके साथ जा रही हूँ आईएसबीटी से। आज बड़ा कुत्ता बन गया यार, यहाँ इतना ट्रक। घंटा घर ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस। कितने पाँच छः सालों बाद देख रही हूँ मैं पूरा ये। आप दिख रहा है सर। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा। तो वो आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त नहीं आज। जैसा कि मैंने बोला ही था कि मेरा थर्सडे मतलब बहुत ही वाला स्ट्रगल वाला टाइम होता है ना, तो वही वाला सीन हुआ आज मेरे साथ। मैं सुबह से भसड़ में ही मची हुई हूँ बड़ी मुश्किल से मैडम जी मिली मुझे। तो ये है वो उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस। पहुंच ही गया आखिरकार हम। तो अभी हम लोग लंच करके वापस आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों का भी लंच टाइम हो गया था। तो हम जैसे यहाँ पहुंचे थे इनका लंच टाइम हो गया था एक घंटे का, तो हम लोग भी एक घंटे टहल के आ गए, खाना वाना खा के आ गए। तो फाइनली मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और जो मेरे को सबमिट कराना था वो मैंने सबमिट करा दिया। एक थोड़ा अच्छे वाले सर मिल गए थे तो उनकी बदौलत हो ही गया जल्दी जल्दी। तो अब हम लोग सीधा रूम पे निकलते हैं, उसके बाद मौसी के यहाँ जाते हैं आज बंजारा वाला सीधा। चलो चलो चलो, ड्राइवर तैयार। चलो भाई अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है मेरे को कि हाँ मेरा काम अच्छे से हो गया, ज़्यादा पचड़ नहीं करनी पड़ी हमको। वरना आज ही मैं दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स डबल लेके आ रही थी कि दोबारा होगा तो मेरे को फिर से वही करना पड़ेगा। इतनी धूप में भी क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो भाई घंटाघर पहुंच गए हम। और इधर है पल्टन मार्केट, जिन गलियों में कभी हम आया करते थे। ये बन गया यहाँ पे बारिश वाला मौसम और हम भीगते भीगते जा रहे हैं। आईएसबीटी पहुंचने वाले हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे कारगी चौक, कारगी चौक से सीधा बंजारा वाला। ये क्या है, ये पता नहीं क्या क्या बोलने पे लगी हुई है। आ गए हम, इसने मेरे को बोला आओवल हमारे इधर बारिश नहीं हो रही होगी, तुम्हारे इधर ही हो रही है बारिश। और यहाँ देखना यहाँ उससे मोटी बारिश लगी हुई है। गड्ढों में डंक चल बहन। ये हमारी राइडर है। यो मैन, ये लो यहाँ पे एक हमारे गांव के ताऊबुआ लोगों की शॉप है यही मंदिर के नीचे। हाँ ये वाली। In 500 meters, make a U-turn at Kargi Chowk. मतलब बुआ हाँ उन लोगों की है।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए आगे, इसके बाद हम सीधा जाएंगे घर की तरफ को। जड्डू ले गया रे भीजिया हम भी मेरी गलियां मेरी गलियां इधर है पटेल नगर, इधर है रिस्पना पुल, इधर है पीछे को आइस बीटी और इधर है बंजारा वाला। ये SBI का था तो यहाँ पे Take the next right toward Banjara Wala Kagi Road. भाई पूरी सुबह से कैश नहीं निकला, अब जाके कैश निकला, आया यहाँ पे बंजारा वाला में आके, और सुबह से मैंने इतने ATM छान दिए कि कैश ही नहीं मिला मेरे को। आज तो ऐसी रेल बन गई ना, एक तो सुबह से ट्रैफिक में इतना फंसे रहे भाई साहब, इतनी भुसड़ मची हुई थी, उसके बाद भी ट्रैफिक इतना। अब हम लोकेशन बंद करता है, बोल अब तो बोल मेरा इलाका है ये, यहाँ क्या जरूरत, तुझसे ज्यादा लंडेरू अब हम बचपन से यही गलियों में घूमे। ये मेरे कॉलेज वाली गली जब मैं रूम लेके रहती थी, ओ पर मैं थोड़ा सा नीचे रहती थी, मेरी मौसी का घर इधर को है, बंजारा वाला, पर इधर तो घर ही घर क्या है वे? बोलो था ना। ओ भाई साहब जिनकी जमीन ना वो टूटे हुए। तो ऐसा है, हम लोग घर पहुंच गए थे, उसके बाद हमारा थोड़ा बैठे बैठे रहे, गप्पे वप्पे मारी, और अभी रात हो चुकी है, मैं मिलाती अभी देखो। हाँ तो इधर है दादी जी जो कि अपने के लिए सजूर तैयार कर रही है। कहाँ गई दादी, कहाँ जला रही है आपने आग? बुझ गया है। तो ये है मेरी दादी, और दादी हम सजूर तैयार करनी जलाया आलूल, और इधर मौसी की गाय है, ये देखो तेरी वीडियो, बताओ किसने दिखाया दीदी ने, मेरे लोग सुने बुआ ने है, हम इधर तो पता भी नहीं था, हम खेल रहा था बलमा, ये देख बताया बस सुनी ने, और तब तू बच्चों के साथ खेल रही कर रही, बस पूरी इनके दिखा हुई ने है, देख माँ जी ये करी फोन हम बच्चों के साथ वहाँ खेत में, क्या हम ये कर रहे मिल वाला है बला, यू था ठंगा वाला जान वाला यू था ठंगा अच्छी दादी है ना, तो मैं तो कैसे दादी पचराड़ है, पचराड़ वकी वकम समण समण इधर का समण पचराड़े खमर ना आम वाला जान तो पहले ठंगा ला पचराड़ा फटरे सोने देखी तेरे, हाँ 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 हाँ, वो हमारे इलाके तो जो मेरी मौसी और है वो है ठंगा के, और अभी मौसी और से मिलाती, और दादी है पचराड़ की जंडा वाला, जंडा वाला यूं था ठंगा वाला भी और पचराड़ा वाला भी है ना। तेर माँ मेरी दादी घर तो था, मेरे सासु जाती थी, तुम किर क्या है परकंडे, यूं तो एक ही कोयला दादी हम सजूड़ बनानी, अब खंड सजूड़ बनानी नीचे, वो हुक्का पीना खंड तैयार करनी तो यहाँ पे भी सेम, अभी यहाँ पे देखो अभी अगले दिन से दिखाएंगे ना, आज तो मैं मौसी और से ही मिलाती हूँ अभी। और क्या? लाइट बंद कर दो इधर, ये मौसी और की छन्नी है यहाँ, छन्नी यहाँ पूरा गांव वाला फील है, बड़े टाइम बाद अपना अपना ना बड़े ठीक है चला क्या कर रहा है इसको देखना कहाँ छुपा हुआ है, अब क्यों जा रखा है इसे ऐसे तकिए के नीचे, बाबा फोन देख रहा है भाई, चेची एक यहाँ लगी हुई है, और ये है मेरे मौसा जी, और ये है मेरी मौसी ये मेरे मौसा जी हैं, ये बहुत कॉमेडी करते हैं, अभी एक दो दिन में इनकी हरकतें पता चल जाएंगी ये इतनी कॉमेडी करते हैं। आज मेरे को सुरी पता कौन सी कहानी सुना रही थी, हम लोग माँ मैं इसके डायलॉग से समझ गई थी कि ये मौसा जी का डायलॉग होगा, जब इसने शुरू से बोला ना माँ साहब, मैंने कहा ना ये मौसा जी की लाइन है
और अभी यहाँ पे सब्जी बन रही है तोरी, मतलब अभी तैयारी चल रही है अभी खाने की। और ये है जिसके साथ में गई थी काम पे, इसने उसे मास्क लगा रखा था और हेलमेट पहना हुआ था बस। पीयू कहाँ गया? मौसा जी गाना सुना, देख स्वागत कर दो यहाँ पे। अरे सुना दो ना, इतना नहीं शर्माता है। क्या बोल रहे, एक दो दिन में दिखाऊंगा अभी। पूरे जलवे दिखाएंगे मौसा जी, मौसा जी बहुत कॉमेडी करते। तो ए बेटे, ए ए ए भाई, भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। दीदी मेरे को भी कटाओ यार। ब्रूनो सेब नहीं खा रहे बेटे, नो मम्मी। दीदी ब्रू यार, दीदी आप तो मुझे भी डरा रहे हो। सीधी चलते रहो ना, हमारे अस्तित्व की तरह। भाई अपनी गलियों के कुत्तों को संभाल के रख। अबे कहाँ गया? कौन कहाँ गया? मौसी का घर कहाँ गया? ये तो है घर। चेंज, इतना चेंज। तो ऐसा है, अभी मैं जा रही हूँ अपनी नानी और के यहाँ, बोले तो मेरी मम्मी की जो चाची है उनके यहाँ जा रही हूँ मैं। यार ये तो बहुत ही चेंज हो गया दी। चलो 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 चलो, मुझे इस गाने में डांस करेंगे प्लीज। बस रहने दे तू दीदी। तो इधर ये है मेरी नानी। नानी जी हाय बोलो। नानी जी हाय तो बोलो। और ये है, तो नाम क्या है? नाम बता, शर्मा रहा है तो। ये हमारी लू। और ये है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई, मतलब मेरे से बड़ा नहीं है, ये दोनों भाई भाई है। और इसको देखना। और मामी जी इधर बना रही है खाना, मामी जी का डिनर चालू हो गया इधर। तो अभी हाल फिलहाल हम दोबारा से घर जा रहे हैं, दोबारा से घर जा रहे हैं, मतलब मौसी के यहाँ जा रहे हैं। इस मोटी की ना ये पता क्या बोल रही है, जिस दिन मैं सती वो क्या क्या बनूंगी, जिस दिन मैं सुंदरी जैसी बनूंगी। नहीं मैंने सुंदरी, मैंने एग्जैक्ट सुंदरी क्या बोला, कुछ बोला इसने कि मतलब मैं जिस दिन सजूंगी धजूंगी उस दिन मेरे को व्लॉग में लेना, आज मत लो आज का व्लॉग। अब मैं उजाले में आऊंगी थोड़ा। भाई बारिश हो रही है यार, ऐसे थोड़ा सा। बारिश नहीं, अभी हम लोग खाना खा चुके हैं। और आज हमने क्या खाई? चौमिन खाई हमने, क्योंकि हमने तोरी नहीं खाई। तोरी की सब्जी और रोटी नहीं खाई है, मैडम भाग के भी चलेगी। तो हाल फिलहाल जिस काम के लिए मैं देहरादून आई थी ना, वो एकदम कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैं अब घूम फिर सकती हूँ मजे से। तो जैसे कि अभी तक घूम फिर नहीं देते हो ना। अभी तक भी घूम फिर रही थी मैं, पर वही है कि थोड़ा ऐसा होता दिमाग में, वही टेंशन चल रही थी यार, पेपर ऐसा हो गया, पेपर ऐसा हो गया, मेरा गड़बड़ हो गया था एक एक पेपर में, मतलब मेरा एक डॉक्यूमेंट मेरे पास ही छूट गया था। तो वो आज कंप्लीट हो चुका है फाइनली। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं ना। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कल से आपको सब दिखाएंगे, ढंग से मिलाएंगे सबसे, है ना। चलो बाय बाय, अब हम सोते हैं, नहीं एडिटिंग करते हैं इस वाले व्लॉग को, उसके बाद जाके